बड़ा कमीना है। अगर एक हफ्ते में तुमने मुझे जेल से बाहर नहीं निकाला तो तुम्हारे बारे में क्या सच है सबको बोल दूंगा। तुझे पहले जैसा सूली पे लटका दूंगा। ऐसा काली के कहने के बाद ही तुमने मुझे बाहर निकाला ना है? तुम्हें हमेशा के लिए शांत जगह में भेजने के लिए सोचा, तकलीफ के बिना, भगवान से प्रार्थना करके, पासपोर्ट के बिना, वीजा के बिना, क्यों टिकट के बिना ही एक शांत जगह में भेजने के लिए सोच रहा हूं। पर पड़े हो। अरे रे, तुम्हें तो मैं मारना चाहती थी। चलेगा, मर गया ना, जाने दो। ए, अपने दादा को किसी ने मार डाला। जवारी जैसे रोड पे पड़ा है, मुझे पता है। चलो चलो, आओ सब लोग। दादा को चुनने के लिए चुनाव होने वाला है। इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या? हैं।
अच्छा वो आदमी है कौन जिसका तुम लोग इतना जिक्र कर रहे हो? अरे उसके बारे में बताओ तो। 10 लोगों की मुंडी उड़ा दी उसने। वो हमारे काम का है। हाँ वो अपना ही आदमी है। वो अच्छा लड़ेगा तो फिर उसको खुलकर सपोर्ट करो, कहीं दादा बनने के बाद नखरे तो नहीं करेगा? क्यों ऐसा तो नहीं होगा? तभी तो बड़ा दादा बनेगा। अरे सर अपना वकील क्या कर रहा है? वो गाड़ी में सो रहा है। उसको जगा के लेकर जाओ। ठीक है सर। ए हटना। अरे यही है रामपुर का रामू, लड़ने के लिए जेल से बेल लेकर के आया है। बचपन से ही दादा है इसीलिए अपना जोश दिखा रहा है। ये 3 साल से लेकर 70 साल के बूढ़े तक इसके शिष्य हैं, और तुम्हारी जैसी लेडीज शिष्य भी बहुत ज्यादा हैं। अरे उधर देखो। उसको नीचे उतार दे। कौन बोला? मेरा झंडा लहराने की जगह पर किसी का झंडा नहीं लहराएगा। कौन है? मैं नहीं। ऊपर। कौन है तू? दादा, तुझे कुत्ते की तरह मारने वाला इस एरिए का दादा। इस एक लात से मालूम पड़ गया होगा कि दादा तू है या मैं। तो इस एरिया में नया आया है क्या? नया हूँ लेकिन तूफान से भी बढ़कर हूँ। बाद में ये मत कहना कि हाथ गया, पैर गया या सर गया। अगर मंजूर है तो आ जा। अरे वाह। जल्दी आओ, घड़ी भी लेके जाओ।
अरे ये सब क्या है भाई? पहले वाले दादा के मरने के बाद जब उसका कोई वारिस नहीं था तो उसकी सारी चीजें चुरा करके लोगों ने अपने घर में रख लिया। अरे मैं छोटा दादा, मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं है। अरे सब कुछ बेकार हो गया भाई। तुम उधर गुंडे की पिटाई कर रहे थे, खूब पिटाई कर रहे थे, इधर लोग उसका सामान उठा करके घर में रख रहे थे। बस एक ही चीज बची है, एक ही चीज। ये क्या है भाई? पुराने दादा का पहना हुआ ड्रेस, दादा के परंपरा में यही पहनते हैं। नए दादा को ये पहनने में ऑब्जेक्शन नहीं है ना? ये सब क्या है, मैंने कभी देखा नहीं। नहीं देखा है तो अब देख लो। दादा महाराज की जय। दादा महाराज की जय। दादा महाराज को इस छोटे दादा का कोटि कोटि प्रणाम। दादा बैंड मत होना, नहीं तो तुम्हारा बैंड बजा दूंगा। बैंड बजाने वाले मुझे पसंद नहीं है। ऐसा मत बोलो दादा, अभी थोड़ी देर में तुम भी बैंड हो जाओगे। ऐसा मत बोलो, मैं अपनी जिंदगी में कभी बैंड नहीं हुआ हूँ। दादा नया इतिहास बनने वाला है, जबरदस्त भूकंप आने वाला है। अरे सिर्फ बैंड नहीं, जमीन पर गिरकर लौटने वाले हो। देखते ही गिर जाओगे। पास आएगी तो दुनिया भूल जाओगे। आखिरी में दादा की आखिरी जायदाद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ठीक बोला ना? बोला। आखिरी जायदाद भी आ गई। जीते रहो। दादा की बेटी है क्या? तुम्हारी बहन है क्या? आइटम आइटम। ये मेरा पैर क्यों छू रही है? दादा की जायदाद जिस तरह से आपके हवाले किया था वैसे ही दादा की आइटम भी हवाले कर दिया। अरे बाप रे, ये क्या ना इंसाफी है। ये मेरे साथ ही रहेगी क्या? पूरी रात रामायण सुनकर पूछते हो सीता का पति कौन है? अरे इस आइटम के लिए कल कितने ही पहलवानों को मुंह की खानी पड़ी। अरे जैसे उधर झंडा गाड़ा था वैसे इधर गाड़ो। जाओ बाबा, तुम्हारा झंडा भी नहीं चाहिए, किला भी नहीं चाहिए। अरे रे रे। अरे अरे डैडी, डैडी आपने पेपर पढ़ा क्या? क्या है बेटा? ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल मिल गया क्या? नहीं मिला रहा होगा ना? वो नहीं डैडी, कोई एक दादा है प्रतियोगिता में जीत गया है। दादा का मतलब बहुत बड़ी पदवी होती है क्या? अच्छा सवाल है। देखो किराना स्टोर मार्केट बिल बनाकर वसूल करते हैं और कॉरपोरेशन भी, बिल के बिना जो वसूल करता है वो दादा है। समझ में आया? नहीं। समझाता हूँ। देखो गली के लफंगों से लेकर पिक पॉकेटर चोर लफंगे तक जो गॉडफादर बनता है वो ही दादा कहलाता है। अब समझ गई ना तुम? नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते दादा। नमस्ते। रुक। नहीं नहीं कोई बात नहीं। रुक कहाँ जा रही है? रुक कहाँ ना? अरे सॉरी, जल्दी में हो ना। अरे ऐसी क्या जल्दी है? रुक कहाँ ना? रुक, कहाँ चली गई? अरे मिल गई। प्लीज नहीं ना। नहीं नहीं प्लीज प्लीज नो। सॉरी बोलना। वाओ क्या रे, ये चमक छल्लो, ये क्या पहन रखा है? नाचने वालों जैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ोगी क्या? साबुन तो लेकर दे दिया डार्लिंग, धोकर कौन देगा? तुम्हारा बाप? ये सब बातें मुझे पसंद नहीं है। मैं कौन हूँ मालूम है तुम्हें? मेरे डैडी का नाम जीडी है। जीडी? मैं कौन हूँ ये मालूम है तुम्हें? जे डी पी। जे डी पी जगदल प्रताप। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? मारोगे क्या? खोलो ना प्लीज प्लीज। माफ कीजिए। दादा
आप प्लीज बाहर जाइए प्लीज। क्या है ऐसे डरा क्यों रहे हो हा? इस देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? अच्छा कोई नहीं है? तुम जैसे लोगों को देखकर लगता है गुंडाराज आज भी चल रहा है यहाँ पर। मिस्टर ये आदमी ए किधर जा रहे हो? अरे रुको रुको, हेलो मैं चिल्ला रही हूँ फिर भी मेरे पास कोई नहीं देख रहा है। किसी को भी बुलाना चाहोगी तो दूर दूर तक यहाँ कौवा मैना भी नहीं दिखेगा समझी? देख लो। एक जवान लड़की के मुंह से निकला हुआ आइसक्रीम यूं तो बहुत ही प्यारा लगता है लेकिन मेरे चेहरे पर लगा है, नहीं निकाला तो ठीक नहीं लगेगा। तुम निकाल दोगे मुझे मालूम है। क्या है ये? नेपकिन है, अंदर रख दो, रख दो। वैसे मैं बड़े लोगों को बहुत मानता हूँ, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉलो फॉलो करता हूँ। वो एक कहावत है ना, कांटे को कांटा निकालता है, हीरे को हीरा काटता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे सुंदर से खूबसूरत से नरम नरम मुंह से निकले हुए आइसक्रीम को इस नरम नरम होठों से निकालो। कैसा लगा? अगर तुम इस आइसक्रीम को होठों से निकाले बिना एक कदम भी आगे रखोगी तो ये दूध और बैदा से बनाए हुए सुंदर तुम्हारे शक्ल को एक ही झापड़ में बिगाड़ के रख दूंगा। तुम्हारे बदन में खून का एक कतरा भी नहीं बचेगा समझी? इतना ज्यादा मत सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम मेरे 9 गिनने तक पूरा कर दो। छोटू अंधेरा हो गया। ये क्या अंदर से कैसी आवाज आ रही है? अरे दादा आपके लिए तोता खरीदा था ना, वही 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 बोल रहा है वही। तोता? वो तो तुमने मुझे दिखाया ही नहीं। थोड़ा पी लो दिखेगा। एक और बना दूं क्या? बस बस बस। दादा अब लेबल में आ गए हैं। क्या बोला क्या बोला? दादा ये कितना है पूछ रहा हूँ। थोड़ा ऊपर कर। ये तो पंजाब है। ये कितना है? ये तो बाथरूम जैसा है रे। और ये कांग्रेस है रे। मैं कितना भी पीऊंगा तो होश में ही रहूंगा। और ये कितना है? 3 और 1 4 हुआ और क्या। आधी बोतल पिया तो पूरी दुनिया भूल गया, क्या बात है। अगर पूरी बोतल पिएगा तो दुनिया को उल्टा देखेगा, समझा? क्या बोल रहे थे? किधर किधर? आजा मेरे राजा तू सो जा। आइटम जी अब ये तुम्हारे जाल में पूरी तरह से फंस गया। अब इसकी चटनी बनाओ मुरब्बा बनाओ, मुझे कुछ नहीं करना। अब ये तुम्हारे जाल में फंस चुका है, अब इसे पूरा दादा बनाकर छोड़ना। मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। आइसक्रीम
आइसक्रीम आइसक्रीम मेरे होते हुए आइसक्रीम मुझे आइसक्रीम समझ के खाओ ना दादा दादा आजा तुझे एक सेटिंग करके दे देता हूँ तू इधर ही चली जा सौतेला घर क्या अरे बाप रे बाप सौतेला घर अभी पहला ही घर नहीं बसाया सौतेला की बात करती है अगर तुम मुझसे इस तरह से दूर भागोगे तो मैं खुद ही तुम्हारे पास समझ गया मुझे अपनी इज्जत बचाने आती है तू चली जाए बहुत लोगों को आज तक मैंने भगाया है आज दादा तुमने मुझे भगा दिया हाँ जेलर साहब दादा कैसे जेल से फरार हुआ करके बता दो सर तुम्हारा केस इंक्वायरी में करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर कौन है तुम्हें पता है ना आप तो एक ईमानदार सॉरी बेईमान जेल अधिकारी हैं समझ में ही नहीं आता ना ताला टूटा ना ही एक दरवाजा टूटा सारे तालों की चाबियां भी आपके पास थी फिर भी कैसे फांसी की सजा काटने वाला दादा फरार हो गया मेरा नाम शिवगिरी है मेरा नाम सत्यवादी है मेरा नाम इंस्पेक्टर शिवगिरी है तुम्हारा बोला ना सत्यवादी कितने साल की सर्विस है 11 साल 11 साल की सर्विस में 20 बार सस्पेंड होकर बार बार वसीला लगाकर फिर से नौकरी पर आ गए तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है इसीलिए अंधेरे कमरे में तुम्हें टॉर्चर करके तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ ना तुम्हारा वसीला चलेगा और ना ही किसी की पैरवी समझे मेरा नाम इंस्पेक्टर शिवगिरी है तुम्हारा नाम क्या है बोला ना तुमने बेईमान लोग दुनिया में सत्यवादी नाम रखकर घूम रहे हैं ना सरकार के लिए तुम ईमानदार ऑफिसर रहे और ना ही अपनी पत्नी के लिए ईमानदार पति इस देश में चुनाव प्रचार किए बिना ही जीतने वाली एक ही MLA है वो है तुम्हारी बीवी वो जनता के बीच इतनी लोकप्रिय है और दूसरी ओर तुम एक देशद्रोही और समाज को हानि पहुंचाने वाले हो इसलिए तुम्हारी बीवी समाज की सेवा करने के लिए 7 साल से तुमसे अलग रह रही है तुम जिनके लिए काम करते हो उनके साथ वफादार रहना चाहोगे तो भी वो मुझसे बच नहीं सकेंगे तुम्हें मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूं अगर तुमने सच नहीं बताया तो सब खाते अगर ऐसा हुआ है तो जेलर को मौत के घाट उतार दो ठीक है गेट रेडी ये जेलर तो पुलिस कस्टडी में बंद था माफी चाहता हूँ सर आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं जेल से फरार हुआ विरार का दादा संदेहजनक स्थिति में मारा गया इतना ही नहीं सर पुलिस परेड में वो जेलर मारा गया इस बात को लेकर पूरे शहर में हलचल मचा हुआ है आपका क्या कहना है इसके बारे में छानबीन के बाद ही पता चलेगा इसके बारे में अभी हम कोई बात नहीं करना चाहते पत्रकार लोग सब बैठ जाओ अपनी जगह इट्स लुक लाइक ए मरून हाउ आई कैन एक्सपेक्ट इंटरव्यू फ्रॉम दिस फेलो आई टू हैव द सेम फीलिंग वी जस्ट कांट हेल्प इट ये साहब इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं रे दादा बहुत हैंडसम लग रहा है ऐसा बोल रहे हैं ये अच्छा ऐसा क्या क्या हम बीच में ही छोड़कर चलें ऐसा मत करना अभी क्या बोला ये लगता है धूप में इनका सर दर्द हो रहा है 5-star होटल के AC रूम में अभी तक आपने इंटरव्यू लिया होगा ऐसी झोपड़पट्टी की कड़ी धूप में कभी इंटरव्यू लिया है क्या मैं आप लोगों को इधर बुलाया इसलिए आपको आश्चर्य हुआ होगा आश्चर्य नहीं डर लग रहा है डर हुलिया देखकर आपको डर लग रहा है
यहाँ राम राज्य है, डरिए मत। माफ करना, गुंडे मवालियों का राज और रामराज, आपको ऐसा कहने में शर्म क्यों? नहीं? मुझे शर्म क्यों आएगी? सच बताऊं? सुनिए, कानून संभालने का बीड़ा उठाकर कानून पढ़कर कंधे में स्टार लगाकर पैसे वालों के साथ 5-स्टार होटल में बैठकर इंपोर्टेड दारू पीने वाले बड़े अधिकारी लोगों को शर्म आनी चाहिए या हम जैसे दादा लोगों को शर्म आनी चाहिए? इस देश में सालों साल गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? गुनाह को मिटाने वाले ही गुनाहगारों का साथ देते हैं, वे लोग ही इसके कारण हैं। हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया, इसका कारण नहीं बताया आपने? हाँ, बताता हूँ। पुराने दादा को जेल से बाहर निकलते ही कुत्ते की तरह मार दिया जाता है, कौन मारा कैसे मारा पता नहीं चलता है। क्या कारण है इसका, इसके पीछे कौन है, किसी को पता है यहाँ? वो जेल सुपरिंटेंडेंट, वो दादा कैसे बाहर निकला, उसे उगलवाने से पहले ही उसे जेल ग्राउंड में पुलिस परेड में मार डाला। किसने मरवाया, क्यों मरवाया मालूम नहीं, ये पता कौन लगाएगा? कोई भी नहीं। दिल डर से धक 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 करता है, कहीं सेफ्टी नहीं है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर शिवगिरी को अपॉइंट किया गया है, वो शेर है, उनको जरूर पकड़ेगा। कौन है वो? इंस्पेक्टर शिवगिरी? वो शेर है, शेर का नकाब पहनकर घूमने वाला एक चूहा है वो। जाके बोल दो दादा ने बोला है। सर, जो आदमी जेल के अंदर मर गया है उसके विषय में शहर में काफी अफवाहें फैल रही हैं। सर, क्या आप एक बात बताएंगे, जिस पे इंक्वायरी चल रही थी वो जेलर पुलिस परेड में कैसे मारा गया, बताएंगे आप? सर, आप गुस्से वाले हो, शेर का नकाब पहना हुआ चूहा हो। अब सॉरी सर, वो दादा ऐसा बोल रहा था। ये शिवगिरी चूहा है या शेर है ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, किसी झोपड़पट्टी में रहने वाले दादा को बोलने की जरूरत नहीं है। आप पत्रकार हैं इसलिए आपकी इज्जत करके मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही जल्दी उसकी बोलती बंद कर दूंगा। गुड बाय। थैंक यू सर। कोई एक दादा है, किसी झोपड़े में बैठा हुआ है, वो किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता है। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ACP शिवगिरी है। मेरे पति जो मेजर थे उनकी हत्या हो गई है, इसीलिए मैं कोई आंदोलन वगैरह नहीं करने वाली हूँ। कानून के खिलाफ जाने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। इस खून की इंक्वायरी करने के लिए कैसे कहूँ, पुलिस डर रही है क्योंकि किसी एक बड़े आदमी के शर्ट के पॉकेट के अंदर कानून बंद पड़ा है। इस केस का सच बाहर आना ही चाहिए, ये सब जनता को मालूम पड़ना ही चाहिए। खूनी कौन है करके सारी दुनिया में पता लगाने के लिए चिल्ला रही थी ना, वो मैं ही हूं। आ जा, दिखाता हूं मैं कैसा हूं। डर गई क्या? क्या घोषणा किया तुमने, मरने तक भूख हड़ताल करोगी? इतनी तकलीफ से तुम्हें मरने नहीं दूंगा, थोड़ी देर तुम मजा लुटा दो, बाद में अकेली मर जाना। Oh!
मैडम मीटिंग में जाने के लिए यहाँ स्नान करने के लिए आई थी। मैं नीचे नाश्ता बना रही थी, बाथरूम में ज्यादा वक्त लग गया, इसलिए मैं देखने यहाँ आई तो मैडम इस स्थिति में पड़ी थी। यहाँ उनसे मिलने कोई अनजान आदमी आया था क्या? नहीं, सुबह सुबह एक पार्सल आया था और कोई नहीं। पोस्ट से? नहीं, बाहर दूध रखने की जगह पर बुलाकर मैंने मैडम को हाथ में दिया और मैडम ने गुस्से में देखकर डस्टबिन में डाल दिया उसे। ड्यूटी में अपना ही आदमी होना चाहिए। अरे क्या बात है, काफी डल लग रहे हो, पैसा कम पड़ रहा है क्या? अरे कष्ट के बिना गाड़ी धक्का देकर ही आगे बढ़ती है। अरे चेक पोस्ट से गाड़ी कैसे निकाली जाती है हमारे जीडी सर को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन तुम्हारे जैसे पुलिस वालों के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है, समझा क्या? भाई सुनो, अच्छे से ध्यान रखना इनका। ठीक है ठीक है, ये लो, आ जाओ आ जाओ। बैरियर लगाओ, गाड़ी में क्या है? देख के मालूम नहीं होता है, ऑफिसर तो बड़े हो भाई, गाड़ी में पेट्रोल है। गवर्नमेंट ने गलती से नौकरी दे दी, अब हम क्या करेंगे? मैंने लकड़ी का सोचा था, ये तो पेट्रोल गाड़ी है। हाँ हाँ, ये तो सचमुच पेट्रोल गाड़ी है। अरे भाई साहब, गाड़ी से नीचे तो उतरो। ये अच्छा है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, पैसे दे देता हूँ। रिटेल धंधा नहीं सर, होल धंधा ही है। गाड़ी सील किया हुआ है, गाड़ी किसका है मालूम है ना? जीडी का। जीडी का? अच्छा ये पकड़ो, जीडी क्या प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है? जीडी इज अ बिजनेसमैन, शिवगिरी इज अ पुलिसमैन। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, तुम्हें बताना है। एसीपी शिवगिरी, इस इलाके का एसीपी, अंडरस्टैंड? गाड़ी तो जीडी का है सर, उन पर कोई शक कर सकता है क्या? जब सीता मैया पर राम ने शक किया था तो जीडी पर यह शिवगिरी शक नहीं कर सकता क्या? क्या बोला? होलसेल का धंधा हो या चिल्लर का धंधा हो, परमिट निकालो, तेरा लाइसेंस निकाल हूं सर। ये लीजिए सर। झुकेगा तो पड़ेगी और पड़ेगी तो भी झुक जाएगा। तीन सेकंड से ज्यादा सैल्यूट नहीं मारना चाहिए, पुलिस ट्रेनिंग में पढ़े नहीं क्या, समझते नहीं क्या? हाथ नीचे करो। सब कुछ ठीक ठाक है ना? ठीक है साहब, ठीक है। जी जी, बाकी के कागजात कहाँ हैं? इसमें ही है साहब। हाँ सर, इसी में, इसी में। ठीक से चेक किया ना? What is this? Something, something। मामा को दिया हुआ रिश्वत।
अच्छा है, कोई भी हो देखने को तो मैं ही बुलाता हूँ उसे, लेकिन इस बार चेंज हो गया जो आपने बुला लिया। सर्दी जुखाम हो तो डॉक्टर अपने पास आकर दवा दे जाता है, वहीं अगर ऑपरेशन हो तो अपने को ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये सारी गाड़ियाँ आप ही के हैं ना? कौन सी? ये सब? हाँ हाँ, जीडी ट्रांसपोर्ट अपना ही है। हाँ, गाड़ी चोरी होने का कंप्लेंट करने को बोला लेकिन किसी ने लिखा नहीं, अब क्या करूँ मैं। गाड़ी चोरी होने का कंप्लेंट हमने पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते कर दिया था। मेरी चोरी गई 4 गाड़ियों में से आपने 2 गाड़ियों का पता लगाया, 50% ही काम किया आपने। और थोड़ी देर में 100% काम कर दूंगा। जीडी, ये सारी गाड़ियां आपकी हैं या इसका माल भी? क्या माल? हाँ। पेट्रोल को आप माल कहते हैं क्या? हम लोग जिस सामान को पकड़ते हैं उसे हमेशा माल ही कहते हैं, और सवेरे आपकी गाड़ी से जो बरामद हुआ है वो है गांजा। आपने गवर्नमेंट को हिसाब दिया है सिर्फ 2 करोड़ का, आपके हिसाब से ये कितना होगा मालूम? मुझे लगता है इसकी कीमत कम से कम। अन्ना, अन्ना कुछ बोल रहे थे। वो कुछ नहीं, सांस लिया तो भी बात जैसा लगता है, सॉरी। इतना सारा गांजा, अपना देश कितना बिगड़ गया है। एक छोटा करेक्शन, देश खराब नहीं हुआ है, देशवासी खराब हुए हैं। मिस्टर शिवगिरी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिवगिरी। कौन सा भी एक कमिश्नर, हाँ तुम जिस हिसाब से बात कर रहे हो लगता है ये गांजा सब मैंने ही स्मगलिंग किया है। मुझे बताने वाले आपके ही भरोसेमंद आदमी हैं। कौन है ये? ये तो हमारा जूना ड्राइवर है, चोर कमीने। गांजा स्मगलिंग करता है क्या? सच बुलवाने के लिए मैं मार रहा था और सच बोला इसलिए तुम मार रहे हो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ले जाओ इसे। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, ये सारा गांजा आप ही का है ना? तुम मेरा ज्यादा ही अपमान कर रहे हो। सवाल पूछने पर अपमान लग रहा है तो सच कैसे बर्दाश्त करोगे? जो ज्यादा सवाल करते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और जो जवाब नहीं देते वो मुझे पसंद नहीं। मिस्टर शिवगिरी, असिस्टेंट कमिश्नर शिवगिरी, वो सब छोड़ो। मेरे 365 धंधे हैं, साल का 364 दिन में एक धंधे के लिए एक दिन भी रखूं तो साल में एक दिन कमती पड़ता रहता है, मैं क्यों गांजा स्मगलिंग करने लगा भला? मिस्टर जीडी, मैं जो कर रहा हूँ एक ही धंधा है, इसीलिए ठीक से कर रहा हूँ। तुम्हारा खेल अच्छा है। मैंने अभी तक खेल शुरू नहीं किया है, अब शुरू करने वाला हूँ। तो इन सब सामान से आपका कुछ लेना देना नहीं है? अब तुम क्या करने वाले हो? जलाने वाला हूँ।
छोटे, उन दोनों को जमानत पे छुड़ा लो। मिस्टर शिवगिरी, मैं इधर ही हूं। सारे काम बड़ी तेजी से करते हो अंकल। जिस हिसाब से दुनिया जा रही है, कब क्या होगा कुछ मालूम नहीं। हमारे देश में हर एक आदमी हाथ में बंदूक लेके घूम रहा है। 24 घंटे में घूमने वाली धरती को 12 घंटे में कैसे घुमाएं, सारे वैज्ञानिक यही रिसर्च कर रहे हैं। सब कोई स्पीड में है, इसलिए मैं भी स्पीड में हूँ। फिर भी 3 करोड़ के गांजा को एक ही माचिस की तीली से जलाने वाला स्पीड तुम्हारा कुछ ज्यादा ही है। ओ, अभी मैं आपकी बात समझा अंकल। फाइनेंस मिनिस्टर की तरह बात मत कीजिए, पुलिस ऑफिसर की तरह बात कीजिए। आप चुप क्यों हो गए अंकल? आप मेरी टांग खींचना चाहते थे, मैंने ही आपकी टांग खींच दी, देश के राजनेता जैसे। तुम मजाक मत करो, अगर वो जीडी का गुस्सा तुम्हें जला देगा तो इसलिए सोच रहा हूं। सोचिए मत, वो कोई भगवान नहीं है अंकल। देशद्रोहियों से जब तक इस देश को आजाद नहीं कराऊंगा, तब तक इस खाकी वर्दी को गुड बाय नहीं बोलूंगा। पहले अपने ब्रह्मचर्य को गुड बाय बोलो। मैंने बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। क्या शादी कर लूं? क्यों मजाक कर रहे हैं अंकल? आप मुझे जो बोल रहे हैं, आपने खुद शादी क्यों नहीं की? इस उम्र में इतने स्मार्ट लग रहे हैं, तो जवानी में कितने टकाटक होंगे। शिवगिरी, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, उस वक्त मैं इंपॉर्टेंट ड्यूटी पर था। मैं किसी को ढूंढ रहा था, तभी तुम रोड पर अनाथ मिले थे। तब से तुम मेरे साथ हो। तुम पर दया करके मैं तुमको पाल रहा था, फिर धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर मुझे लगाव हो गया। उसी वक्त मेरी शादी की बात चल रही थी। मेरी होने वाली बीवी तुम्हारी अच्छी मां बनेगी या नहीं, ये सोच रहा था। और मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं करूं। मुझे भी यही चिंता है, मेरी होने वाली बीवी आपको इज्जत देगी या नहीं देगी। दोनों का एक ही केस है। मैं चलता हूं। बाइक चलाने नया सीखा है क्या? ऑफ कर इसे, क्लच क्यों छोड़ा रहेगा था? ए, तुम्हें इस इलाके के नए दादा हो क्या? नहीं, तेरा नाना। बोल, क्या बात है? तुम जीडी के बारे में जानते हो क्या? जीडी कौन? मुझे कुड़ी, बीड़ी, बेड़ी, रेवड़ी, सीडी, टीडी, ये सब डी मालूम है, जीडी नहीं मालूम है। हमारे जीडी एक ही चेक में बोर्ड ऑफ इंडिया को खरीदने वाले थे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कह के मना कर दिया उनको। जीडी कौन है तुम्हें नहीं मालूम? तुझे मेरे बारे में मालूम है क्या? अयो, मगर हमारे जीडी को सब कुछ मालूम है। अरे, आपके बारे में सारा इलाका जानता है। अयो, मेरे बारे में सबको मालूम है, मगर तू यहाँ इस वक्त किस काम के लिए आया है वो बता। हमारे जीडी ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। मुझे बुलाया है? महाराजा भी अगर चाहे तो दादा की इच्छा के बगैर उससे मिल नहीं सकता है। अगर कोई गरीब मेरा पैर पकड़ के ये चिल्लाए कि मेरी जान बचा दो, तो मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन ये पैसा, नाम, धन, दौलत वाले मेरे साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो मैं उनके जान ले लूंगा। ये अपने जीडी से जाकर बोल देना। ए, बाइक बंद कर, मेरे एरिया से निकलने तक बाइक को धक्का मार के लेके जा, समझा? ठीक है। ये लोग लफंगे लगते हैं, इन लोगों का पीछा करो। जी। मिस्टर शिवगिरी, हमारे घर में ये लोग नए आए हैं, इसीलिए आपको फोन करके बुलाया। जो फोटो आप देख रही हैं, वो 20 साल पुराना है। उसे देखकर आप लोगों को कुछ याद आ रहा है क्या? इस फोटो को ध्यान से देखिए। मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। मिस्टर शिवगिरी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इस घर के लिए आप अपनी पूरी कमाई दे देते हैं, इसके अलावा हमेशा विजिट भी करते रहते हैं। रियली यू आर ग्रेट फादर। मुझे इस दुनिया में लाने वाली, दुनिया के किसी कोने में जी रही मेरी माँ को ढूंढ रहा हूँ। इसमें से कोई भी मेरी माँ हो सकती है।
इसी आशा में भटक रहा हूं कि कहीं मेरी माँ मिल जाए, ना जाने कहां होगी। चलो। हे, बाइक पर कौन आ रहा है देखा क्या? अगर कोई हैंडसम आ रहा हो तो बताना। ओह माय गॉड, कौन ये? इस आदमी ने मेरा अपमान किया और शहर में ऐसे घूम रहा है। ये हमारे जैसी लड़कियों के लिए शर्म की बात है। अब तुम क्या करोगी? जरा सब्र करो। हे जेडीपी, हे जेडीपी रुको। आइसक्रीम। अरे वाह, तुम्हें तो अच्छी तरह याद है। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मेरी जान। जेडीपी, तुम्हारे साथ अकेले बात करने के लिए मेरा मन कर रहा है। तो फिर देर किस बात की, अभी कर लेते हैं। छी, इस ट्रैफिक में क्या बात करेंगे। कल सुबह 9 बजे बैंड्रा के एलन सेमेट्री में मिलते हैं। हाँ। बहुत मजा आएगा। एलन सेमेट्री पहुँच जाना। सच्ची में क्या? जेडीपी। उसे क्यों सेमेट्री में बुलाया? ए, शादी करने के लिए थोड़ी बुलाया, समाधि बनाने के लिए बुलाया। फंस गया बेचारा। अरे बाप रे, रुक रुक रुक। क्या हुआ भाई? अरे इधर तेरी तो किधर भागता है? अब अभी इधर तेरा मेरी जान। अच्छा इधर। अरे यार, इससे मारेगा तो आदमी मर जाएगा ना। उसके बाद पुलिस वाले तुझे अंदर कर देंगे। अरे तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी मारता हूँ। अब मर गया। हाथ लग गया होगा तो माफी मांगता हूँ। आजा राजा, ड्रिंक्स पिएगा। तू मगर दे रही हो तो पीना ही पड़ेगा। अभी तक तुम्हारी चर्बी नहीं उतरी क्या? जीडीपी, तुम्हें मार खाकर कैसा लग रहा है? छोटी गुड़िया, हंसकर हो गया क्या? हमेशा गुस्से से भरा हुआ ये चेहरा, हंसते हुए कैसा लगता है यही देखने के लिए अभी तक मैं मार खा रहा था। जोर से हंसोगी तो और अच्छी लगोगी। गुड़िया, 5 पैसा उधारी रखे बिना भी हिसाब करना मेरी आदत में शामिल है। मैं जो लेता हूँ वो रखता नहीं हूँ, ब्याज के साथ लौटा देता हूँ। एक, दो, तीन, गया। ए जींस। जींस पहनकर लड़कियों के साथ घूम सकते हो, शेर के साथ लड़ नहीं सकते। गया। मिस्टर मद्रास, अब तुम्हारी बारी। अगर लड़ना तेरा काम है तो तुझे मारना मेरा काम है। सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अब तू क्या करेगा? ए, ए, मिस्टर मद्रास, ए, रुक, रुक। गया। बचाओ, नहीं, छोड़ो।
बेचारे को उल्टा लटका दिया, मार दोगे क्या? ए आप क्या करे? ए तुम लोग जाओ, किसी को बुला कर लाओ। ए सुनो, ए तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अब क्या करे? हे भगवान, कोई तो आए, इसे बचाए कोई, प्लीज। बेबी आई छोड़ो इसे। ये है मेरा फरमान। ए मिस्टर, कहाँ जा रहे हो इसे उल्टा लटका कर? अरे इसे नीचे तो उतारो। अरे मेरी बात सुनो। अरे ओ तेरी तो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छुड़ा लो। अरे अरे बचा, अरे कोई दो, तो अरे बचा लो। अब क्या करें? अरे कोई रोको, अरे कोई तो बचाओ। लटका रहे तू, अरे कोई तो बचाओ। अरे मुझे नीचे उतारो। सर 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 प्लीज, ये उल्टा लटक रहा है, इसे नीचे उतारिए प्लीज। प्लीज इसे टेंशन मत लो, मैं इसे एक मिनट में उतारता हूँ। चुप हो जा तू। अरे ये तो दादा का फरमान है, मुझे माफ करो, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। ओए इस शहर में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो इसे उतारे, जाओ यहाँ से। छोटे बच्चे, तुम्हें भी हिम्मत नहीं है इसे नीचे उतारने की? जाओ यहाँ से, भाग। कोई कार वाले बाबू, मुझे बचा दो। तमाशा देखने के लिए आदमियों की कमी थी तो ये डब्बा गाड़ी से उतर रहा है। झूठ नहीं बोल सकती, हैंडसम लग रहा है, देखते हैं। अरे साहब छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज नीचे उतार लीजिए। अरे मुझे नीचे उतार लीजिए प्लीज, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अरे मुझे प्लीज नीचे उतारिए, उतार लीजिए भाई साहब, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ। भाई साहब मेरी मदद कीजिए ना प्लीज, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज सर। धन्यवाद सर। वाओ, डराने के लिए रखी हुई तलवार से ही आपने इसे बचा लिया, मैं तो आपको गलत समझ रही थी। आपके डब्बा कार को देखकर हम समझ रहे थे कि हम वो क्या है ना कि इस तरफ से 2000 कारें गई, 200 बाइक गई और 500 साइकिल गई। 500 डरपोक लोग सिर्फ इधर उधर देखकर चले गए, लेकिन आप ही हैं जो इसको बचाया। मैं क्या बोलूं सर आपको, आप रियली हीरो हैं, सुपर हीरो। वी रियली लाइक यू। नहीं, आई लव यू। ज्यादा बोल दिया। बोलना चाहिए सर, इस वक्त वो दादा अगर मेरे हाथ में आ जाता ना तो आपसे कहकर उस दादा को मैं भगा भगा कर मरवाती। लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए। बहुत बोलती हो। सर बोलना चाहिए सर, आप तो सुपर हैं, आपकी स्टाइल सुपर, ड्रेस सुपर और आपकी कार भी सुपर है। बहुत बोलते जा रही हो। बोलना चाहिए, बोलने दो। इस जीनी की लड़की को पटाकर शादी करने के लिए बीड़ी पीने वाला दादा भी पीछे पड़ा है। आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं मुझे बताओ, नहीं तो मैं क्या, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? भगवान, मेरी गुड़िया सोने की चिड़िया, जीती रहो जीती रहो। अच्छा अच्छा, ऊपर भी जाना है क्या? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ कोई जीडी जीडी है? वेलकम। मुझे लगा जीडी कोई बीड़ी पीने वाला इंसान होगा ऐसा। भाई तो एक आइटम को रखकर ही परेशान हो रहा था, आप तो बाप रे बाप। ये सब मेरे लिए नहीं है भाई, ये सब आपको खुश करने के लिए है। लेकिन सर बचपन में मैंने एक गलत काम कर दिया। क्या गलत किया? भगवान ने मुझसे पूछा
शरीर में बल चाहिए या दिमाग में बल चाहिए बोल। मैंने कहा दिमाग में नहीं शरीर में बल दे दो, इसलिए दिमाग में कुछ भी नहीं है, शरीर में 18 ही जख्म है। देखें जरा, देख लीजिए। ठीक है, पैर में और हाथ में ऑपरेशन करके मेटल डाला हुआ, यही मेरा सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट? हाँ सर्टिफिकेट। हाँ सर्टिफिकेट। जीवन दयाल प्रसाद मेरा बचपन का नाम है, इसीलिए पब्लिक लोग गलती से मुझे JDP कह के बुलाते हैं। JDP? जगदल प्रताप। उसी JDP को जाल में बांध कर आज आपके आदमी जबरदस्ती लाए, जिससे आपकी ताकत का अंदाजा लगता है, लेकिन आपके हंसने में आपकी मजबूरी दिखती है। मैं आपके किसी काम में आ सकूं तो मुझे खुशी होगी सर। ए, मेरे दुश्मन को मिटाकर मुझे संभालना। आप इस शहर के इतने महान हस्ती हैं कि आपको संभालने के लिए आपके पीछे तो इस शहर की बड़ी हस्ती और पुलिस फोर्स भी खड़ी है सर। वो खाकी रंग पर मुझे भरोसा नहीं रहा, करके मैं आपको बोल रहा हूँ, पर ये काले कपड़े पर काम सौंप रहा हूँ। मिलिट्री वाले के गन से बचने वाले को साधारण सांप से नहीं डरना चाहिए। सांप का मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। हाँ जहरीला सांप ही है खाकी कपड़े पहनने वाला, इन्होंने गद्दारी की है मेरे साथ, उसका अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना है। अंतिम संस्कार? हे भगवान, क्यों डर गया क्या? नहीं, ऐसा करके बहुत समय हो गया ना, इसलिए। उसके बारे में कोई डिटेल मिलेगा क्या? जो इस शहर में नया SCP आया है ना, उसी का काम करना है, इस कवर में है। आप जो काम करवाना चाहते हैं उसका डिटेल इस कवर में है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए पढ़ नहीं सकता, मेरे पास दिमाग नहीं है इसलिए सोच नहीं सकता, बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले पैसे की बात हो जाए। तुम्हारे दिमाग में तो पैसा ही है। GD साहब द्वापर युग के भगवान कृष्ण है, त्रेता युग के भगवान राम है, और इस कलयुग के भगवान पैसा है। तुम्हें तो मैं बहुत बड़ा गुंडा ही समझ रहा हूँ। गुंडा? लेकिन भाई तुम तो बहुत बड़े भगवान के भक्त निकलोगे, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। जय श्री राम। मेरे भगवान, तुम्हें क्या चाहिए? 100 छोड़कर मुझे बहुत साल हो गए, 1000 छोड़कर कुछ महीने हुए हैं, इसलिए मैं। दादा हिम्मत से पूछे कितना चाहिए। हाँ जरा सोचना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो, पूछिए पूछिए। 3 लाख? नहीं। 4 लाख? नहीं। क्या दादा कुछ पकड़ में नहीं आ रहा? बाप रे, अभी मुझे पैसे से ऊपर की चाहत बढ़ने लगी। क्यों दादा मुझे मरवा रहे हो, कुछ तो चाहिए ना। 41 किलो का वो सोना जो पिघल नहीं सकता है, चंदन की वो लकड़ी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसे पीस कर भी नहीं लगा सकते, खाने को दिल करेगा मगर खा नहीं सकते, ऐसी चीज चाहिए जिसे चाहने वाले सारे लोग हैं, धरती से लेके देव लोग तक, मनुष्य से लेके ऋषि मुनि तक। अच्छी बात करना तो सीख गए। धन लक्ष्मी नहीं चुकने वाला कोई नहीं है। क्या कहा, धन लक्ष्मी? अरे रे रे रे, धन लक्ष्मी कौन सा नाम है, उनका नाम तो कुछ अलग ही है, मैंने तो सुना था आइसक्रीम। मैं समझता हूँ छुपे हुए रुस्तम, अरे कुछ बोलो तो। बोल देता हूँ ना। अरे बाप रे बाप, आपके स्विमिंग पूल में जो इस तरह लहराती हुई बलखाती हुई तैर रही है ना, ये सोने की मछली, गोल्ड फिश, यही मेरे काम का पैसा है, ये आइसक्रीम। या JDP। What the hell you doing here? You stupid idiot, get out. Dad, why did you let this fool in here? अच्छा हुआ मेरी समझ में कुछ नहीं आया। What? So beautiful. क्या बात है? Shut up. Hey, लेवल के बाहर सोचो मत, औकात में रहो। औकात के बारे में आप तो बात ही मत कीजिए। Shut up. सिपाही बनने की औकात नहीं, महाराजा बन रहा है। क्या बात है, बाप बेटी एक ही जैसे ताली बजाकर आदमियों को बुलाते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ए पहलवान तू भी गाना। इडियट, पकड़ो उसको। तुम लोग बेवकूफों की तरह क्या कर रहे हो,
वो जिधर दिखे उसको पकड़ो जल्दी। डैडी, मुझे बचाओ। अरे मेरी बेटी को पकड़ो, जल्दी पकड़ो तुम लोग। अरे वो किधर गए, तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको ढूंढो जल्दी। हाँ बेटी आया आया बेटी आया, आगे आजा आगे आजा, हाथ पकड़ा दे मुझे, हाँ जल्दी आ, इधर आजा, हाथ दे अपना हाथ। अरे किधर जा रही तू, इधर हाथ पकड़ा मेरे को। अरे मेरी बेटी, लोग क्या कर रहे हो, उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। कमाल हो गया भाई, किधर चला गया ये समझ में नहीं आ रहा है। जेडीपी कभी गलत काम नहीं करेगा, आपका हर काम करने के लिए मैं तैयार हुआ, लेकिन मेरी एक इच्छा थी गोल्ड फिश, आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, जब मुझे चाहिए आके ले लूंगा, तब तक ये गोल्ड फिश। बापरे, आप अपने नौकरों को मेरे जैसा बलवान और मेरे बाप के जैसा बुद्धिमान बनाना, ठीक है। तुम लोग देख क्या रहे हो, चाकू फेंको। साहब मुझे कितनी कलाएं आती हैं, आपने देख लिया। आपके बिछाए जाल में मैं फंस गया तो आपने मुझे बिल्ली समझ लिया। शेर को जाल में फंसा कर लाने वालों को मैंने तो शिकारी समझा था, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम पड़ा कि सब की सब बिल्लियां हैं। आपकी बेटी मुझे पसंद आ गई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जी डी सर, जाल में आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं लेकिन शेर नहीं। बंदा काम का है, इसे नहीं छोड़ना है। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्त हैं, बहुत अच्छे दिखते हो। बहुत बोलती हो। हाँ? क्यों जी, अगर कोई लड़की दिख जाए तो उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए, ऐसा सिखाया गया है। हाँ। ओह, बड़े कम थिंग सर, सुबह मैं कॉलेज नहीं जा पाती हूँ, चार फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, क्यों ये नहीं पूछोगे क्या, सब कुछ उस दादा की वजह से। सर वो गरीब दादा मुझसे शादी करना चाहता है। गरीब अमीर से शादी नहीं कर सकता, वो पढ़ा लिखा नहीं है सर। सारे गरीब मूर्ख होते हैं क्या, मुझे समझदार आदमी की जरूरत है। तुम क्या अपने बॉडीगार्ड का सिलेक्शन कर रही हो। मुझे तुमसे एक फैसला चाहिए। बहुत बोलती हो। मुझे एक फैसला चाहिए, कह दिया ना मैंने। बहुत बोलती हो। मुझे एक फैसला चाहिए। इतना चिल्ला क्यों रही हो, तो मैं जो कहती हूँ वही करो। क्या करूँ। I love you. Love you. I love you.
दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने सारे देशवासियों को बधाई दी है। आज की मुख्य खबरें एक बार और। अपने देश के रक्षा के गुप्त खबर को दूसरे देश में पहुंचाने वाले देशद्रोही सजा काट रहे एक्स सर्विसमैन गिलबर्ट धनशंकर और उनका साथी जंबो कल रात जेल से फरार हो गए हैं। मिलिट्री पुलिस उन्हें हर जगह तलाश कर रही है। उनके बारे में सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही के कारण उन दोनों को सजा हो गई थी ना? उन दोनों बदमाशों को पकड़ने में आपने ही मदद की ना? अब वो जेल से भाग गए हैं। वो लोग आपको जरूर ढूंढ रहे होंगे। सुनिए, अगर आपको ढूंढते हुए वो लोग यहाँ आए तो जी। नमस्ते। आप लोग इस समय यहाँ क्यों आए हैं? कल स्वतंत्रता दिवस है, स्कूल में आकर आपको झंडा फहराना है सर। क्या सोच रहे हैं? इसके लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं। उन सबसे ज्यादा काबिलियत आप में है सर। यू डिजर्व इट। आपके हाथ से कल झंडा वंदन होगा सर। देशद्रोही गिलबर्ट धनशेखर को पकड़ने के लिए इन्होंने बहुत कष्ट उठाया है। हाँ, देश के लिए इन्होंने अपने पैर गंवा दिए। देश के लिए मैं पैर तो क्या जान भी दे सकता हूँ। चलेगा सर, आप बैठकर झंडा वंदन कर सकते हैं। देश के बारे में और देश के झंडे के बारे में सोचते ही मुझ में एक नया बल आ जाता है। मैं खड़े होकर ही झंडा फहराऊंगा। मिट्टी में गिरे इससे पहले उसे पकड़ लो। जाओ जाओ, मेरे लिए अपने देश का झंडा सर्वोपरि है। जाओ उसे पकड़ लो। ये झंडा हम सबके लिए जान से भी भरा है। तुमने देश के सम्मान को लिया, ये मेरे लिए गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है।
धन्यवाद। साथियों नमस्कार। देशवासी लोग चैन की नींद सोने के लिए कड़क धूप में, बरसते हुए बारिश में सीमा पर रक्षा करने वाले रक्षा देवता एक्स सर्विसमैन लोगों को मुफ्त घर बांटने में मुझे खुशी हो रही है। मैंने जो आप लोगों से वादा किया था वो वादा आज मैंने पूरा कर दिया। पहले घर का कागज पाने वाले मिस्टर गुरप्रीत सिंह हैं, दूसरे मिस्टर वीर यादव हैं, क्या हुआ? इनसे क्या हुआ? देशद्रोही, खूनी, तुमको किसने हक दिया घर बांटने का? ले जाओ इसको, ये पागल हो गया है। भरोसा मत करना। ले जाओ इसको, ले जाओ यहाँ। खूनी है, ये खूनी है, देशद्रोही है ये। आप भरोसा मत कीजिए। क्या है बेटा ये? कानून की भाषा में इसे अरेस्ट वारंट कहते हैं। कैसा लगा आपको? बिल्कुल ठीक नहीं है। साधारणतः जब भी कोई पुलिसमैन आता है मेरे गले के लिए हार लेकर आता है। हथकड़ी लेकर आने वाले तुम पहले पुलिस ऑफिसर बन गए हो। यू आर द फर्स्ट पर्सन। यस, द फर्स्ट पर्सन। तुम्हारे इलाके में घुस के तुम्हें कुत्तों की तरह मारकर गली गली में घुमाते हुए पुलिस स्टेशन ले जाने वाला द फर्स्ट पर्सन। देश के कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले और समाज के साथ गद्दारी करने वाले तुम्हारे जैसे कमीनों को काट कर फेंकने वाला फर्स्ट पर्सन। समाज में फैली हुई तुम्हारे अधर्म की जड़ों को काट कर सच्चाई का झंडा लहराने वाला असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिवगिरी। इज्जत के साथ आओगे तो आराम से लेके जाऊंगा, कुछ उल्टा सीधा करोगे तो मारते हुए ले जाऊंगा। क्या चाहते आप हो? बहुत बात करते हो, बहुत बात करते हो। अच्छा, एक फैसला करेंगे। आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, किस लिए अरेस्ट कर रहे हो, मेरे चाहने वालों को मालूम भी तो पड़ना चाहिए। शिवगिरी एक काम करते हैं, इन सबको समझा कर अगर तुम जिंदा बचोगे तो फिर हम दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे। छोटे सुन, एम्बुलेंस को फोन कर। आपको क्या ठीक लग रहा है? नो नो, टेंशन मत लो। नो पहले ही कहा था, इज्जत से आओगे तो आराम से लेके जाऊंगा। ये कैसा लगा? मैंने पहले ही कहा था, इज्जत से जाओगे तो आराम से लेके जाऊंगा, हाथ पांव चलाओगे तो।
भाई छोटे, बराबर बोलता था ना, वो क्या हवलदार पुलिस कमिश्नर, वो एसीपी हाँ हाँ असिस्टेंट कमिश्नर शिवगिरी, ए कानून की हिफाजत करने वाले हर एक शख्स को मैंने खरीद कर रख लिया है, तेरी समझ में आया, और तू मुझे अंदर करेगा? शेर की पूंछ पकड़कर बहुत बड़ी गलती की है तूने, अभी तुम भी पूंछ नहीं छोड़ सकते और शेर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेर की पूंछ पकड़ने वाला ये भी एक शेर है। तुम कानून की एक एक लाइन याद करके रखे हो, मैं सच्चाई की एक एक लाइन याद करके रखा हूँ। अब शिवगिरी तुम्हें सजा देगा। आ जाओ दादा, आ जाओ। अरे बाप रे, रात में मुझे अकेले बुलाए हो, ये जगह तो बहुत रहस्यमय लग रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी शादी भी नहीं हुई है। उस दिन तुम मुझसे दुश्मनी लेकर जाने के बाद भी मैंने तुमको क्यों बुलाया है मालूम है? कैसे मालूम होगा, कोई काम होगा तभी तो बुलाया होगा ना, बिना आग लगे कोई फायर ब्रिगेड को बुलाता है क्या? जीडी पर आफत आई होगी तभी तो मुझे बुलाया ना। बड़े बड़े मिनिस्टर ऑफिसर्स की ऐसी हिम्मत नहीं हुई, और इस कल के लौंडे ने मेरी दबी हुई फाइल को नए तरीके से खोल कर रख दिया है, पुराना रिकॉर्ड सब निकाल कर नया करने की कोशिश कर रहा है वो। मेरे रास्ते में मत आ करके धमकी दिया उसने, पैसों का ऑफर दिया उसको फिर भी नहीं माना वो, वो मुझे सूली पर चढ़ाकर ही रहेगा ऐसा वो बोल रहा है। आपके रास्ते में आने वाले कांटे को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं आप। उस शिवगिरी ने आपकी मौत का फरमान जारी कर दिया, इसीलिए उसकी मौत मेरे हाथों करवाना चाहते हैं आप, सही बात है ना? दादा जल्दी ही काम तमाम करके आओ, लाखों रुपए मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ। हाँ, लाखों रुपया मेरे मुंह पर मार कर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर करवाना चाहते हैं। जीडी सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। काम करके दिखाओ पहले दादा। दो बातों में मैं बहुत पक्का हूँ, एक बात करने में और एक मार करने में। आज एक बात और कल एक बात नहीं करूंगा, जब तक सांसें एक ही बात बोलूंगा। हाँ, आपको याद होगा मैंने मांगी थी गोल्ड फिश। क्या सोच रहे हैं आप ही फैसला कर लीजिए, आपकी बेटी के गले में मंगलसूत्र या आपके गले में फांसी का फंदा। पता नहीं क्यों आपके साथ कभी डील ही नहीं हो पाती है। मैं आता हूँ जीडी सर। फैसला कर लिया दामाद जी। क्या दामाद? बाप रे! आप क्या सोच रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, ये मुझे रास्ता दिखाने वाली मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। उनसे बिछड़कर 20 साल हो गए हैं ऐसा कहा था ना, अगर वो जिंदा हैं तो आशीर्वाद देने जरूर आएंगी। भगवान पर विश्वास रखो। बुरा मत मानना, तुम अभी यहाँ क्यों आ गई हो? प्रसाद बांटते समय तुम्हें बुला लेता ना, मंगलसूत्र को भी छू दिया, दो मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माँ जी आप ये मंगलसूत्र अपने हाथ से ही दे दीजिए। बाबू तो अच्छा लग रहा है, गलती से गिरी हुई चीज अशुभ नहीं होती। सुखी रहो। थोड़ा रुको, माथा खाली है ना? सारी सनी सारी सनी सा नी सा।
माजी कहाँ गई? इधर ही कहीं होगी, थोड़ा रुकिए और प्रसाद लेकर जाइएगा। अपर्णा, तुम मुझे जिद करके इस मंदिर में लेके आ गई और माँ जी ने हमें आशीर्वाद भी दे दिया, हमारी शादी भी हो गई। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम वुमेन्स क्लब की शांति हो ना, अभी भी जवान दिखती हो, वो कैसे? मैं शांति नहीं, उनकी बेटी हूँ। आपका नाम क्या है? विद्या। अरे ये क्या? ऊपर से कोई गोली चला रहा है। मुझे नहीं मारेंगी। मार दूंगी। आप मुझे नहीं मारेंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले को मैं ढूंढ कर मार डालूंगी। वो हमारा काम है। इस बंदूक की गोली को अच्छा कौन है बुरा कौन है मालूम नहीं होता। बंदूक नीचे करो। मेरे पास एक फाइल है जिसमें कौन किसको मारा, किसने किसकी जिंदगी बर्बाद की, उन सबका कंप्लीट डिटेल, उनके लिस्ट और सारी कहानी लिखी हुई है। मेरी भी कहानी है क्या? शायद। मेरी कहानी स्याही में नहीं, मेरे पति के खून से लिखी होगी। माता, पास माता। आप मुझे नहीं मारेंगी। मैं गोली चलाऊंगी। आप मुझे नहीं मारेंगी। माँ, तुमने मुझे माँ बुलाया? हाँ माँ, पैदा करने वाले ही माँ नहीं होती। माँ की उम्र की हर औरत मेरे लिए माँ है। मुझे दो। तुम मुझे नहीं मारोगी, मुझे दो। आओ। तुम्हें क्या लगा मैं भाग जाऊंगी?
तुम्हारे हाथ में चूहा दौड़ रहा है। क्या चूहा दौड़ रहा है? ये तो नाड़ी है। बेटे तुम जब बड़े होगे तभी माँ आपका हाथ पकड़ के चलोगे। हाँ माँ चलूंगा। मिस्टर शिवगिरी कांग्रेचुलेशंस, आपने जान की परवाह किए बिना जीडी जैसे बड़े आदमी की जान को एक खून की प्यासी औरत से बचा लिया। रियली इट इज गुड, वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। ए बुढ़िया, ए थैली में क्या रखा है? मोर के पंख है। हैं? मोर पंख? हाँ, थैली में मोर पंख के साथ राइफल भी रखी थी क्या? ए हवलदार 500, तो जाकर देखो तो थैली में क्या रखी है। ए बुढ़िया, थैली में क्या रखा हुआ है दिखला जरा। अरे बताती क्यों नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दिखला मैं नहीं दूंगी। मोर का पंख है या कोई रिवॉल्वर रखी हुई है? बनाती है हम लोगों को, पुलिस वालों को बनाती है। ला इधर दे, इधर दे ना। अरे दे इधर सर। इन माता जी को कभी भी कोई भी बिना वजह परेशान किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अंडरस्टैंड? खाना खाया माँ? खाने के लिए पूछा तो रो क्यों रही हो? नहीं, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं पूछा। तुमने खाया क्या? अर्थी बीच रास्ते में क्यों रखी हुई है? क्या करें सर, पैदा करने वाले दोनों बेकार निकले। पैदा करने वाली माँ को छोड़कर दारू पीने चले गए, किसी को बुलाया तो पैसा मांग रहे, क्या कर सकते हैं सर हम लोग। एक इंसान के जिंदा रहते उसके पास कोई नहीं हो तो चलेगा, मरने के बाद उसे चार आदमी जरूर चाहिए। हवलदार जी सर, हेल्प करो। सर मैं शबरी मिलने के लिए माला पहना हूँ, डेड बॉडी नहीं उठाना चाहिए। ठीक है जाओ। क्या बोल रही हो तुम? सच ही बोल रही हूँ। ये देखो उन्होंने पहनाया है। पिताजी, प्लीज।
क्या जीडी सर, क्या हुआ? वो कुछ नहीं अन्ना, कहानी सुना क्या? इन्हें जेल से छुड़ा दे क्या? यस सर। इनमें मोर का पंख उठाने की तो ताकत नहीं है, ये बंदूक उठाकर मुझे कैसे मारेंगी हैं? ये कैसे बंदूक उठाकर मुझे मार सकती है? ये वो ही है क्या? मुझे खुश करने के लिए इसे मेरे हवाले कर दो। नो 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 नो, नहीं सर, बकवास बंद करो। मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा और ऊपर से पैसा भी दूंगा। मैं पागल नहीं हूँ समझे, मैं तुम्हारे लिए यम हूँ। जिस दिन उस शिवगिरी ने मेरे 2 करोड़ के माल को नष्ट किया, उसी दिन मेरी पहली घंटी बज गई करके मेरी आत्मा बोली। जब वो पागल औरत मुझे गोली मारने की कोशिश की, तब मेरी दूसरी घंटी बजी। अब तीसरी घंटी नहीं बजना चाहिए, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से अंजाम दें, आइंदा कोई गलती हुई तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कमिश्नर सर, रेलवे गेट हो सही, टोल गेट हो या सेंट्रल जेल का गेट हो सही, जीडी का नाम सुनकर बिना चाबी के खुल जाता है, वो आपको मालूम भी है। कमिश्नर ऑफिस का लॉकअप भी ऐसे ही है, हमारे पास हर ताले की चाबी है, ये देखो। दुनिया के सारे लोग तो पैसे तिजोरी में रखते हैं, लेकिन आप तो दूसरों की कमजोरी भी तिजोरी में रखते हैं। मेरे पास बहुत आदमी हैं, मेरे लिए जान भी दे देंगे, मगर अभी बात क्या है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आजकल मेरे दुश्मन ज्यादा बढ़ गए हैं, इसके लिए मैंने एक काले शेर के साथ बहुत अच्छी ही दोस्ती कर ली है। कौन है? इंसान भाई, मैं ये काला कपड़ा क्यों पहनता हूँ मालूम है क्या? पूछो क्यों? अच्छा बताओ क्यों? काला खादी अज्ञानी होता है, मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ इसीलिए इसे पहनता हूँ। भाई मैं 3 कलर को बहुत ज्यादा मानता हूँ, पूछो कौन कौन सा? कौन सा? एक खादी, दूसरा खाकी और तीसरा भगवा। पूछो क्यों? क्यों? भगवा ज्ञान का प्रतीक होता है, जैसे विवेकानंद, बुद्ध। खादी महात्मा गांधी पहनते थे और खाकी क्यों दादा, खाकी कपड़ा पहनने वालों को देखकर नशा उतर गया क्या? मैं तो बस यूं ही फेंक रहा था। कमिश्नर साहब, मैंने बोला था ना, 10 उंगली 20 चाकू, पार्टी यही है, पैर छुओ। नमस्ते सर, नमस्ते सर। दादा, सर ये सिटी के पुलिस कमिश्नर हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। सर अपने लिए बहुत खास आदमी है, कानूनी मामलों में मेरा कोई अगर फुल सपोर्ट करता है तो वो यही है, समझ गया ना? चलता फिरता टेप रिकॉर्ड और भरोसे वाला जीरोक्स कॉपी। जी डी सर, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। आपके शर्ट की जेब में सिर्फ करेंसी होती है, मैं तो इतना ही जानता था। कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक होंगे, ये बात तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। आपके शर्ट की जेब में पूरी सरकार है। अरे बाप, मेरी भी कहानी है क्या? मेरी कहानी स्याही में नहीं, मेरे पति के खून से लिखी होगी। Thank you.
इधर माँ थी वो कहाँ है? जीडी आया था सर, माँ को साथ में ले गए, कमिश्नर साहब भी साथ में थे। आओ शिवगिरी, क्या बात है? जीडी को गोली मारने वाली एक माजी को मैंने लॉकअप में बंद किया था, अब वो वहां लॉकअप में नहीं है। उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे उनसे तुरंत मिलना है। उन्हें कोई आकर जामीन पर ले गया। कोई बोले तो? उसका नाम नहीं है क्या, या फिर उसका पता नहीं है? लेकर जाने वाला विरार का दादा है। पहचाना दादा? खाकी वर्दी पहनने वाला शिवगिरी ही, ये काला कपड़ा पहनने वाला दादा है। क्यों होश उड़ गए तुम्हारे? भगवान का अवतार होता है तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो, इंसान का अवतार हुआ तो होश उड़ गए तुम्हारे? मैं ट्रांसफर होकर इधर आने के बाद पहले कमिश्नर ऑफिस का एक खिड़की और दरवाजा चेक किया था, उसमें बहुत छेद थे। तांत्रिक स्टोरी में होने वाले एक के बाद एक खून की तरह यहाँ होने वाले खून ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बरगद के पेड़ से लटकने वाली हर एक जड़ मजबूत नहीं होती है मालूम, मगर पेड़ ही मजबूत नहीं हो तो उसकी जड़ कभी भी टूट सकती है। ये मैं आपको जीडी के घर पर देखते ही समझ गया। आप एक चलते फिरते टेप रिकॉर्डर हो और भरोसे वाले जेरोस्कोपी हो, गैर कानूनी काम करने वालों के फुल सपोर्टर हो। ऐसी जीडी ने जब तुम्हारी तारीफ की तो सुनकर मैं तड़प उठा। जैसे दुर्योधन के गलत काम में कर्ण ने साथ दिया था, वैसे ही तुम्हारा भी साथ मैंने दिया। लेकिन एक फर्क है, दुर्योधन गलत है जानकर भी कर्ण ने उसका साथ दिया था, मैंने अनजाने में तुम्हारा साथ दिया। मुझे अभी क्या पता चला है तुम्हें मालूम है? अंधेरे में जो खो गई थी, जिसे मैं गली गली ढूंढता फिर रहा था, मेरी मां, मुझे जन्म देने वाली मां, बचपन में ही जिस मां को मैंने खो दिया था, वो मेरी मां है। तुमने किसके साथ भेजा है उसे? कहां है मेरी मां? कहां है मेरी मां? कहा है मेरी मां? शिवगिरी, मुझे माफ कर दो। नदी बनकर बहने वाली मेरी जिंदगी आखिर गटर बन गई। एक ही गलती, उसी गलती को जीडी ने रिकॉर्ड करके रख लिया। Thank you.
उस वजह से ही मुझे गैर कानूनी काम में मजबूरी में उसका साथ देना पड़ा। मैंने जिंदगी में एक अच्छा काम किया है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे मालूम नहीं था वो तुम्हारी माँ है, अपनी माँ को जाकर बचा लो, वो जीडी के घर में ही है। देर मत करो, जल्दी जाओ, फैसला सुनाने वाले को वो मार डालता है, साक्षी बनने वाले को छोड़ेगा क्या? जल्दी जाओ, तुम्हारी माँ खतरे में। तुम अभी जिंदा रहोगी तो मेरे लिए मुसीबत ही होगी। दिलबर्ट धनशेखर, तुम्हारे पति को जब मैंने मारा था तभी ही तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार दिया होता तो जीडी बनने के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे कुत्तों को मुझे गाय या बकरे का मटन खिलाने का शौक नहीं है, वैसे तो वो शाकाहारी हैं, मगर कभी दिल आ जाता है तो उनके लिए इंसान का मटन ही। टुडे स्पेशल तुम ही हो। सर कौन है ये मालूम है तुम लोगों को? बिजली की आंखों वाला, यही कह रहे थे ना तुम? बिजली को पकड़ सकते हो क्या? बिजली को पकड़ ही नहीं, पकड़ कर पेटी में भी रख सकता हूं। गिड़ी तीनों लोक में जो होता है वो मुझे मालूम पड़ जाता है। सोने के लिए पलकें क्या झपकाई, तूने कहानी ही बना डाली। आजकल मेरे दुश्मन ज्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए पित्त उतारने के लिए क्या खाने का करके जरा मैं कंफ्यूज हो गया था। तुम जीत गए करके तुम्हें लगा था ना, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। काला शर्ट पहना हुआ दादा ही खाकी शर्ट पहना हुआ शिवगिरी है करके मुझे भी मालूम है।
कमिश्नर मरते समय तुम कौन हो, तुम्हारा चरित्र क्या है करके सब कुछ बता रहा था वो। ये जीडी को कानों ने भी सुना है, वो भी अच्छे के लिए। तुम्हारी प्यारी माँ कुत्तों के बीच में फंसी है, हो सके तो बचा ले। तुम्हारा बेटा हूँ माँ। आप मेरी मां का ध्यान रखना। ओके। Thank you.
20 साल पहले शिवगिरी के पिताजी द्वारा इस एक बहुत छोटे से स्कूल की स्थापना की गई थी। जैसा उन्होंने सपना देखा था उसके अनुसार आज ये स्कूल बहुत बड़ा हो चुका है। देशद्रोहियों ने इस खंभे को जो गिराया था उसके बाद इसमें अभी तक झंडा वंदन नहीं हुआ। आज आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि शिवगिरी ने उन देशद्रोहियों को मार गिराया है और उसी गर्व से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके कारण आज पूरी पुलिस फोर्स उन पर गर्व करती है। मिस्टर शिवगिरी को हम झंडा वंदन करने के लिए बुलाते हैं, आइए।